हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं डीके यादव अपने यूट्यूब चैनल बेसिक कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा वीडियो क्लास 12th अकाउंटेंसी का फर्स्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग जानेंगे सिलेबस इंट्रोडक्शन के बारे में। यानी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में किन किन चीजों को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। सिलेबस इंट्रोडक्शन अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th, यानी क्लास 12th का जो सिलेबस इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है उसे पूरा पूरा तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पार्ट ए के बारे में। एक कॉलम हमारा यूनिट्स का है, एक कॉलम हमारा मार्क्स का है। मार्क्स जो है दो पार्ट में बटा हुआ है, फॉर जेड बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। पहले वाले एक वीडियो में हमने बताया था कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के द्वारा झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का पूरा पूरा सिलेबस को कवर किया जाएगा। और अगर आप किसी अदर बोर्ड से हैं तो अपना सिलेबस मुझे सेंड करेंगे, मैं आपका सिलेबस को देखूंगा। अगर झारखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के अलावा आपके सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा या एडवांस होगा तो मैं उसे भी पूरा पूरा कवर करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पार्ट ए में क्या है। पार्ट ए इसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। यानी अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ना है, यानी ऐसे बिजनेस के बारे में पढ़ना है जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज सेवा करना होता है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ना है और कंपनी के बारे में भी पढ़ना है, किसमें? पार्ट ए में। तो चलिए देखते हैं पार्ट ए में जो है टोटल तीन यूनिट को कवर किया गया है। मेरे दोस्तों, तीन यूनिट को, यूनिट वन का क्या नाम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। यूनिट वन का क्या नाम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, यानी लाभ ना कमाने के लिए स्थापित संस्थाओं का वित्तीय विवरण। यानी यहाँ हम लोग ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज सेवा करना होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का दो चैप्टर 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विथ एडजस्टमेंट्स। ठीक है, और हम लोग ऐसे यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ प्रॉफिट लॉस की बात नहीं होगी बल्कि समाज सेवा के लिए जो है बिजनेस किया जाएगा। ठीक है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस से झारखंड बोर्ड में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आती है और सीबीएसई बोर्ड में भी 10 मार्क्स का पूरा पूरा क्वेश्चन आती है। ठीक है, यानी दोनों बोर्ड में 10-10 मार्क्स का, यानी 100 मार्क्स का जो अकाउंटेंसी का एग्जाम होगी क्लास 12th में, उसमें से 10 मार्क्स का जो है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं यूनिट 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में जो है आपका बहुत सारा चैप्टर आपका आ जाता है। जैसे अगर बोले पार्टनरशिप फर्म में, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे चैप्टर आते हैं, जैसे कि आपका पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, जिसमें हम लोग फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा चैप्टर जो है इसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं अगर मार्क्स के बारे में कैसे कैसे मार्क्स को डिवाइड किया गया है। तो झारखंड बोर्ड में टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से दो पार्ट में बटा हुआ है। पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल जो है वो झारखंड बोर्ड में 5 मार्क्स का अलग से है, और बाकी जो है कौन कौन सा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वो सारा 20 मार्क्स का है। ठीक है, और सीबीएसई में ऐसा नहीं है, सीबीएसई में सभी को मिलाकर 30 मार्क्स कर दिया गया है। डिसोल्यूशन झारखंड बोर्ड में नहीं है, डिसोल्यूशन को झारखंड बोर्ड से हटा दिया गया है और सीबीएसई बोर्ड में डिसोल्यूशन अधिक है। ठीक है, यानी सीबीएसई बोर्ड में डिसोल्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं यूनिट 3, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। कंपनीज में आपको क्या पढ़ना है? इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तीन चैप्टर इसमें मुख्य रूप से आती है।
जिससे झारखंड बोर्ड में 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड में 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर टोटल करें पार्ट ए का तो जेक बोर्ड के लिए 60 मार्क्स और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी 60 मार्क्स टोटल होता है, यानी पार्ट ए से जेक बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो दोनों में 60-60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। पार्ट बी का क्या नाम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देखते हैं इसमें टोटल दो यूनिट को कवर किया गया है, यूनिट 4 और यूनिट 5। तो यूनिट 4 में क्या है, क्या नाम है यूनिट 4 का? यूनिट 4 का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको जो है तीन चैप्टर पढ़ना पड़ता है। तीन चैप्टर में क्या क्या आएगा, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट पढ़ना पड़ता है। फिर ये आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसमें कॉमन साइज स्टेटमेंट और कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ना पड़ता है। और अकाउंटिंग रेशियो इसमें आता है। ठीक है, तो इस यूनिट से यानी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 12 मार्क्स का झारखंड बोर्ड में और 12 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, रेशियो भी इसी में आ जाएगा, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट आ जाएगा, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट के अलावा फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट आ जाएगा। ठीक है, यानी रेशियो, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, तीनों मिल करके 12 मार्क्स का झारखंड बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यूनिट 5 का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट सेपरेट एक चैप्टर है और एक यूनिट भी है अपना, जिस झारखंड बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में दोनों में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 8 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन जो आएगा एक ही क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन होता है 8 मार्क्स का, या कभी कभी शॉर्ट शॉर्ट दो क्वेश्चन भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक ही क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का। इस प्रकार से अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, यूनिट 4 और यूनिट 5 की जगह पर, यूनिट 4 और यूनिट 5 की जगह पर अगर आप चाहें तो यूनिट 4 को सिर्फ रख सकते हैं, जिसमें आपका ये दोनों हट जाएगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये दोनों हट जाएगा। उसकी जगह पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कम प्रचलन में है, बहुत ही कम कॉलेज में ऐसी व्यवस्था दी गई है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पढ़ने की। ठीक है, तो आप जो है चाहे तो यूनिट 4 को रखिए, पूरा पूरा 20 मार्क्स का है और में, यानी ये 12 और 8 दोनों मिलकर 20 होता है, उसके जगह पर चाहे तो आप पूरा पूरा 20 का कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग रख सकते हैं। यहां भी वही है, सीबीएसई बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो दोनों में ऑप्शन है, और भी करके आप कर सकते हैं, यानी दोनों में से कोई एक चॉइस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कंप्यूटर में तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को पढ़ें, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपके स्कूल या कॉलेज में ऐसी सुविधा, ऐसी व्यवस्था है या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से पार्ट बी का टोटल हो जाता है 20 और सीबीएसई बोर्ड में भी 20। चलते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी का नाम है प्रोजेक्ट वर्क। झारखंड बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो दोनों में 20-20 मार्क्स का जो है प्रोजेक्ट वर्क करवाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर ग्रांड टोटल करें तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों का टोटल करेंगे तो 60+20+20 यानी आपका 100 हो जाता है। इधर से भी 60+20+20 आपका 100 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आप लोगों का सिलेबस क्लास 12th, चाहे आप झारखंड बोर्ड में हो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो, दोनों का सिलेबस जो है आपके सामने हमने अभी एक्सप्लेन कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इसे समझ भी गए होंगे और जो भी कंफ्यूजन आपके मन में होगा वो कंफ्यूजन जो है इस वीडियो को देखने के बाद पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा। और अभी भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं पूरा पूरा कोशिश करूंगा रिप्लाई देने का। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का ये हमारा वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, और अगर आपको लगता है कि हमारा ये YouTube चैनल बीसी कॉमर्स अकेडमी आपके लिए यूजफुल है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूरतमंद लोगों तक शेयर करते रहें, ताकि सभी लोग इस चैनल से पूरा पूरा भरपूर फायदा उठा सके, भरपूर बेनिफिट ले सके और अपनी कॉमर्स की पढ़ाई अच्छे से कर सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटिन्यू जो है कंटेंट को करेंगे, यानी सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को देखा जाएगा। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है,
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।